मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब आयोग के द्वारा जो है फोटो युक्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का दिन गया है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि नगरीय निकाय चुनाव के प्रक्रिया के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का दिन गया है। एक साथ मध्य प्रदेश में नए मतदाता की संख्या 8,43,000 बढ़ गई। एक बाद प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र में मतदाता की संख्या में 5,30,64,000 हो गई। वहीं मतदाता सूची 11,67,000 वोटर के नाम जोड़े गए हैं जबकि 3,24,000 नाम हटाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मतदाता सूची में अब 4,75,41,281 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 4,55,21,381 महिला वोटर हैं और 1,480 थर्ड जेंडर वोटर शामिल है। एक पहले जो है 25 नवंबर 2020 से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया के तहत किनगा रहा। वहीं जो है 25 नवंबर 2020 से अब तक 11,67,000 नए मतदाता के नाम जोड़ा गया है। प्रदेश में जनसंख्या के लिंगानुपात जो है 931 के तुलना में मतदाता के लिंगानुपात जो है 927 है। यही प्रकार से कुल सर्विस मतदाता जो है 75,136 है। बता दें कि प्रदेश में अब तक जो है 64,593 मतदाता केंद्र हैं जहां वोटर लिस्ट का निःशुल्क अंतिम प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया किनगा है। एक साथ जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची राजनीतिक दल और बूथ लेवल अधिकारियों का भेज दी गई ही। वहीं मतदाता सूची के फोटो रहित PDF वेबसाइट जो है ओहुमा उपलब्ध है। संबंधित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय से 100 रुपया दई के या वोटर लिस्ट अपना प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अब कहो न कहो मध्य प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के आहट तेज हो गई ही। माना यह जा रहा है कि 5 मार्च के बाद कब तिथि के ऐलान हो सकते हैं। निश्चित तौर पर कहे कि जो कार्यकाल है वहाँ बेहद बड़ी बढ़ोतरी हो गई ही। जहाँ चुनाव 5 साल में हो जाई वहाँ 6-6, 7-7 साल माहौल लागे। तब देखा दिलचस्प हुई कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग कब तक तिथिन के ऐलान करते हैं और कब तक ये लोकतंत्र के पवित्र त्यौहार के शुरुआत हो पावत है। अपन बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, प्रणाम।